वक्त जो भी भोजपुर के जो प्रधानपति हैं मनोज कुमार जी, हम उनके पास मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। उन्होंने अपने गांव में किस तरह से तैयारी की है, कितनी तैयारी उन्होंने शौचालय को लेकर की है और क्या क्या अपने गांव में स्वच्छता को अपनाने के लिए उन्होंने तैयारी की है, इसी विषय में बातें होंगी, उनसे चर्चा होंगी। जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कितने अहम। इनमें 135 शौचालय कम्प्लीट हैं, 15 शौचालय का और अभी काम चल रहा निर्माणी ने, और लगभग 250-300 शौचालय हमारे घर में बढ़ाने का लक्ष्य हमारा है। इसमें हम सोच रहे हैं जितना जल्दी सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर देंगे। आपकी सोच यानी कि यह है कि आप 2 महीने के लिए ऑडिट कर सकते हैं। हाँ चलिए प्रधान जी, एक सवाल आपका और रहेगा, जैसे कि आपके नालियाँ और सड़कें बहुत गंदी रहती हैं, आपने कोई सफाई कर्मचारी या अदर कोई अपना अलग से कार्य किया है यहाँ पे? हाँ आपने देखा भी होगा मेरे गांव में जो सड़कों नहीं आ पाए वहाँ लगभग नाली और सड़कें साफ स्वच्छ हैं, और इनमें मेरे गांव में 2 सफाईकर्मी भी हैं और उनसे अलग हट कर भी मैं अपने गाँव में परमानेंट आदमी लगा रखता हूँ जो साफ सफाई करो जाए। और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी स्वच्छ भारत मिशन हमारे यहाँ पे चला रहा है जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसे लेकर आपके गाँव में आपकी क्या सोच? अच्छी और सराहनीय सोच है और हम सभी उनके साथ लग कर इसमें लगे हुए हैं और इसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दे रहे हैं। आपका जो गांव है आपको पूरा साथ दे रहा है इसके लिए, या कोई परेशानी आपको हुई है अभी तक? नहीं नहीं, मेरे जो अपने गांव में कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत आज तक नहीं, सभी लोगों का बहुत सहयोग और बहुत मिलजुल कर कार्य करने के मेरे गाँव की पहले से यह एक परंपरा ये गाँव में उपलब्ध हो जो कि मेरे गाँव में पहले नहीं थी। उसमें पड़ोस के गांव को भी लाभ मिलता है, पड़ोस के गांव भी जुड़े हुए हैं, और अपने हमारे गांव में बिजली घर तो काफ़ी दिन से प्रस्तावित था लेकिन उसके लिए जगह नहीं थी, हमने उसको जगह देकर बिजली घर का निर्माण कराया जो आपने सबने देखा होगा गांव मरते हुए। और इन सब से हट कर हमारे गांव के बच्चों को बाहर कस्बे में CBSE इंग्लिश मीडियम के लिए बाहर जाना पड़ता था, हमारे प्रयास या हमारे गुरु जी जो टीचर हैं प्राइमरी स्कूलों में उन सबके प्रयास, हमने उनको प्रेरित किया, उन्होंने प्रयास किया, उस सब हमारे स्कूल में 5वीं तक भी इंग्लिश मीडियम जो चल रहा मान्य उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया, मेरा गांव उसमें चयनित है, उस सत्र में वही पाठ्यक्रम चल रहा CBSE बोर्ड। ठीक है सर, एक सवाल आपसे, एक योजना हो रही आवासीय योजना चल रही है जी जी, तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिल चुका है आपके गाँव में? मेरे गाँव में उसमें अब तक कुल 1 मकान बना जी जी, उसमें सरकार की जो जाँच के दायरे हैं उसमें मेरे गाँव में कमी लोग आते हैं, अब फिर 5-6 आदमियों का चयन उसमें हो चुका है। प्रधान जी एक सवाल और आपसे रहेगा, एक सपना होता है जी जी, आपको गांव की जनता ने आपको प्रधान बनाया है गांव का जी, तो उससे पहले आपका एक सपना था कि अगर मैं एक डिसीजन लेते हैं कि हम अगर मैं बनता हूं तो ये कार्य कर दूंगा अपने गांव में जी, तो आपका कोई सपना था पहले? हाँ जी थी सपना थी, मेरे अपने सपने हैं कि मेरे गाँव में देखो सड़कें तो पूर्ण रूप से ही थोड़ा बहुत ही कार्य रहेगा, उन्हें तो मैं अपनी योजना में क्या ये मानो 1 वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण कर दूँगा, लेकिन मेरे गांव में एक तो पंचायत घर की बहुत कमी मुझे जो खलती है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, एक हमारे यहाँ शमशानों की 4 दीवारी और उनमें जो वो बनवा देते हैं ना दीवार में 4 दीवारी और छत भी बनवाने का ये, और पंचायत का ये 2 कार्य मुझे अभी अपने आप में अधूरे लग रहे और इन 2 कामों के लिए मैं बड़ा प्रयासरत हूँ। रही बात सड़कों की साफ सफाई की, ये मेरे गांव में कभी ना कोई प्रॉब्लम पहले रही गुरु प्रधानों के टाइम में भी और ना मेरे टाइम में। चलिए